प्रभु की कृपा भयो सब काजू, अर्थात जब प्रभु की कृपा होती है तो सारे काम हो जाते हैं। हिंदू समाज के वर्षों के तप के बाद आखिरकार सोमवार को प्रभु श्री रामलला अपने नव्य भव्य और दिव्य महल में विराजने जा रहे हैं। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी समेत संत समाज और अति विशिष्ट लोगों की उपस्थिति में रामलला के श्री विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा का ऐतिहासिक अनुष्ठान सम्पन्न होने जा रहा है। अयोध्या नगरी को हजारों क्विंटल फूलों से दुल्हन की तरह सजाया गया है। अवधपुरी में उत्सव सा माहौल है। सूर्यवंश की राजधानी अयोध्या धाम समेत पूरे देश के मंदिरों में राम संकीर्तन और रामचरितमानस का पाठ हो रहा है। फूलों से सजी अयोध्या जी में जन्मभूमि पथ से लेकर राम पथ, भक्ति पथ और धर्म पथ की अलौकिक आभा देखते ही बन रही है। सांस्कृतिक नृत्य और वादन के माध्यम से विभिन्न स्थानों पर प्रदेश के साथ साथ देश भर की परंपराओं और कला का समागम हो रहा है। हर तरफ भगवान राम के भजन सुनने को मिल रहे हैं। सोमवार शाम को भव्य दीपोत्सव की तैयारी है। ऐसा लग रहा है मानो रघुनंदन के अभिनंदन के लिए पूरा स्वर्ग ही धरती पर उतर आया है। जनवरी में ही दीपावली का एहसान हो रहा है। शबरी के, केवट के, दमितों और वंचितों के सबके श्रीराम आ रहे हैं और वो पीढ़ी धन्य हो रही है जिसे इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने का सौभाग्य मिल रहा है। प्राण प्रतिष्ठा के लिए राम मंदिर परिसर समेत पूरे अयोध्या धाम को फूलों से सजाया गया है। जन्मभूमि स्थान में अलग अलग तरह के देशी विदेशी फूलों से सजावट की गई है, जबकि जन्मभूमि पथ, राम पथ, धर्म पथ और लता चौक पर भी सुंदर फूलों की सजावट है। विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए मंच बनाए गए हैं। विभिन्न धर्माचार्यों द्वारा अलग अलग स्थानों पर राम कथा का आयोजन हो रहा है तो विभिन्न देशों की रामलीलाओं का मंचन भी किया जा रहा है। लता चौक पर लगी वीणा को भी लाइटिंग और फूलों के अद्भुत संगम से रोशन किया गया है। पूरे अयोध्या धाम में म्यूरल पेंटिंग और वॉल पेंटिंग के माध्यम से भगवान श्री राम की जीवनी से जुड़े अलग अलग अध्यायों का चित्रण किया गया है। राम की पैड़ी में सरयू आरती के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ लेजर शो धार्मिक अलख जगा रही है। अयोध्या धाम का ऐसा कोई स्थान नहीं जो फूलों से या LED लाइटिंग से रोशन न किया गया हो। यही नहीं, अयोध्या आने वाले विभिन्न हाईवे भी फूलों और लाइट से सजाए गए हैं। कुल मिलाकर अयोध्या में स्वर्ग जैसा एहसास हो रहा है। इसके साथ ही सूर्यास्त के बाद अयोध्या में 10 लाख दीयों से दीपोत्सव की भी तैयारी की गई है। वहीं पूरे देश और दुनिया में भी दीपोत्सव मनाया जाएगा। PM मोदी और CM योगी ने सूर्यास्त के बाद देशवासियों से 5 दीप प्रज्वलित करने का आग्रह किया है। भगवान श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम अभिजीत मुहूर्त में सम्पन्न किया जाएगा। इस ऐतिहासिक अवसर पर कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए CM योगी एक दिन पहले ही अयोध्या धाम पहुँच चुके हैं। वहीं PM मोदी सुबह 10:25 पर अयोध्या धाम के महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। 10:45 पर अयोध्या हेलीपैड पर उनका आगमन होगा। यहां से वो सीधे राम जन्मभूमि स्थल पर पहुंचेंगे। इसके बाद 11 बजे से 12 बजे तक वो विभिन्न आयोजनों में हिस्सा लेंगे, जबकि दोपहर 12:05 बजे से 12:55 तक प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन होगा। दोपहर 1 बजे कार्यक्रम खत्म होने के बाद वो समारोह स्थल पर पहुंचेंगे, जहां अन्य विशिष्ट अतिथियों के साथ ही पूरे देश और दुनिया को संबोधित करेंगे। यहां CM योगी भी अपना उद्बोधन देंगे। कार्यक्रम के सफलतापूर्वक आयोजन को सुनिश्चित करने के लिए CM योगी ने दिन रात एक कर दिया है। वो लगातार तैयारियों का जायजा ले रहे हैं और समीक्षा कर रहे हैं। कार्यक्रम से पहले बीते 13 दिनों में वो 4 बार अयोध्या धाम का दौरा कर चुके हैं। समारोह के अनुष्ठान की सभी प्रक्रियाओं का समन्वय, समर्थन और मार्गदर्शन करने वाले 121 आचार्य होंगे। वाराणसी के गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ सभी प्रक्रियाओं की निगरानी, समन्वय और दिशा निर्देशन करेंगे तथा काशी के लक्ष्मीकांत दीक्षित मुख्य आचार्य होंगे। इसके अतिरिक्त प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, RSS के सरसंघचालक मोहन भागवत, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थित रहेंगे। प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया 16 जनवरी से ही शुरू हो चुकी है। 16 जनवरी को जहां प्रायश्चित और कर्मकूटी पूजन कराया गया था, वहीं 17 जनवरी को मूर्ति का परिसर प्रवेश हुआ था। 18 जनवरी को तीर्थ पूजन, जल यात्रा, जलाधिवास और गंधाधिवास के साथ ही श्रीराम लला विग्रह को उनके स्थान पर विराजमान किया गया। 19 जनवरी को औषधाधिवास, केसराधिवास, घृताधिवास, 19 जनवरी को धान्याधिवास,
20 जनवरी को शर्कराधिवास, फलाधिवास, पुष्पाधिवास और 21 जनवरी को मध्याधिवास और शय्याधिवास कराया गया। प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर 8000 से ज्यादा लोगों को आमंत्रित किया गया है। इसमें साधु संतों के साथ विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिष्ठित लोगों को बुलाया गया है। देर रात तक इनमें से कई लोग अयोध्या धाम पहुंच चुके हैं, जबकि बाकी लोग भी 22 को सुबह तड़के पहुंचने वाले हैं। इसके अतिरिक्त भारतीय आध्यात्मिकता, धर्म, संप्रदाय, पूजा पद्धति, परंपरा के सभी विद्यालयों के आचार्य, 150 से अधिक परंपराओं के संत, महामंडलेश्वर, मंडलेश्वर, श्री महंत, महंत, नागा सहित 50 से अधिक आदिवासी, गिरवासी, तातवासी, द्वीपवासी आदिवासी परंपराओं के प्रमुख व्यक्तियों की कार्यक्रम में उपस्थिति रहेगी। इसके साथ ही भारत के इतिहास में पहली बार पहाड़ों, वनों, तटीय क्षेत्रों, द्वीपों आदि के वासियों द्वारा एक स्थान पर ऐसे किसी समारोह में प्रतिभाग किया जा रहा है। प्राण प्रतिष्ठा में विभिन्न परंपराओं के लोगों को भी स्थान दिया गया है। शैव, वैष्णव, शाक्त, गणपत्य, पात्य, सिख, बौद्ध, जैन, दशनाम शंकर, रामानंद, रामानुज, निम्बा, माधव, विष्णु नामी, राम स्नेही, घिसापंथ, गरीबदासी, गौड़िया, कबीरपंथी, वाल्मीकि, शंकर देव, असम, माधव देव, इस्कॉन, रामकृष्ण मिशन, चिन्मय मिशन, भारत सेवाश्रम संघ, गायत्री परिवार, अनुकूल चंद्र ठाकुर परंपरा, ओडिशा के महिमा समाज, अकाली, निरंकारी, नामधारी, पंजाब, राधा स्वामी और स्वामी नारायण, वारकरी, वीर शैव इत्यादि कई सम्मानित परंपराएं इसमें भाग लेंगी। गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के पूर्ण होने के बाद सभी साक्षी महानुभावों को दर्शन कराया जाएगा। श्री राम लला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के मद्देनजर अयोध्या में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। धाम की सुरक्षा को लेकर इसे 2 जोन, रेड और येलो में बांटा गया है। SPG, NSG ब्लैक कैट कमांडो, CRPF कोबरा, CISF, RAF, NDRF को तैनात किया गया है। चप्पे चप्पे पर यूपी पुलिस के सुरक्षाकर्मी मुस्तैद हैं। घरों की छतों से लेकर अहम लोकेशंस पर स्नाइपर्स की भी तैनाती है। साथ ही इंटेलिजेंस ब्यूरो और रो भी गतिविधियों पर नजर रख रही है। धाम में प्रदेश के विभिन्न जिलों के 100 से अधिक DSP, लगभग 325 इंस्पेक्टर व 800 उपनिरीक्षकों को तैनात किया गया है, जबकि पुलिस और अर्धसैनिक बलों के 11,000 जवानों को अतिरिक्त तैनात किया गया है। वहीं VIP सुरक्षा के लिए 3 DIG, 17 SP, 40 ASP, 82 DSP, 90 इंस्पेक्टर के साथ 1,000 से ज्यादा कांस्टेबल और 4 कंपनी PAC को तैनात किया गया है। श्रद्धालुओं को दर्शनीय स्थलों की जानकारी देने के लिए 250 पुलिस गाइड भी उपलब्ध है। योगी सरकार ने धाम की सुरक्षा को अभेद्य बनाने के लिए ITMS, CCTV, कंट्रोल रूम एवं पब्लिक CCTV का भी सहारा ले रही है। AI तकनीक पर आधारित एंटी ड्रोन सिस्टम पूरी तरह से सक्रिय मोड पर है। योगी सरकार ने आने वाले मेहमानों के वाहनों की पार्किंग के लिए भी पुख्ता इंतजाम किए हैं। पार्किंग के लिए 51 स्थानों को चिन्हित किया गया है। इन पार्किंग में करीब 23,000 वाहनों को पार्क किया जा सकेगा। इतना ही नहीं, पार्किंग के लिए किसी को भटकना ना पड़े, इसके लिए पार्किंग स्थलों को गूगल मैप पर अपलोड किया गया है। वहीं पार्किंग स्थलों को VVIP, VIP और अन्य मेहमानों के लिए भी रिजर्व किया गया है। इन पार्किंग को वायरलेस और PA सिस्टम से लैस किया गया है। प्राण प्रतिष्ठा आयोजन के लिए स्वास्थ्य विभाग ने भी कमर कस ली है। CMO डॉक्टर संजय जैन ने बताया कि विभाग द्वारा आयोजन क्षेत्र के 16 स्थानों पर श्रीराम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के साथ मिलकर फर्स्ट एड यूनिट बनाई गई है। इस यूनिट में एक डॉक्टर, एक फार्मासिस्ट व एक वार्ड बॉय की मौजूदगी रहेगी। इनके अलावा 2 अस्पताल भी बनाए गए हैं, जिसकी क्षमता 10 व 20 बेड की होगी। इसके अलावा 40 एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की गई है। मेडिकल कॉलेज, श्रीराम चिकित्सालय अयोध्या, जिला अस्पताल अयोध्या, महिला जिला अस्पताल व कुमारगंज के चिकित्सालय में 190 बेड आपातकालीन स्थिति के लिए आरक्षित रखे गए हैं। प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर VVIP मूवमेंट को देखते हुए अयोध्या लखनऊ, अयोध्या गोरखपुर, अयोध्या प्रयागराज और अयोध्या वाराणसी हाईवे को ग्रीन कॉरिडोर में बदला गया है। स्वयं के हेलीकॉप्टर व प्राइवेट चार्टर्ड प्लेन से आने वाले VVIP के लिए महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम के साथ साथ 5 राज्यों के 12 शहरों के एयरपोर्ट्स में पार्किंग की व्यवस्था की गई है। प्राण प्रतिष्ठा के लिए क्रिकेट जगत, फिल्म जगत, संत समाज, राजनीति, कला,
साहित्य और संस्कृति समेत अन्य क्षेत्रों के अति विशिष्ट अतिथियों को आमंत्रित किया गया है। अयोध्या धाम में इन अतिथियों का आगमन शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 22 जनवरी को छुट्टी का ऐलान किया है, जबकि केंद्र सरकार ने दोपहर 2:30 बजे तक हाफ डे छुट्टी घोषित की है। वहीं कई अन्य राज्य और प्रतिष्ठानों ने भी यूपी और केंद्र सरकार की तर्ज पर पहल करते हुए छुट्टी की घोषणा की है।